राम राम सभी प्यारे साथियों को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम यूपी स्पेशल के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी के परीक्षा के लिए, यूपीपी री एग्जाम के लिए, RO AR री एग्जाम के लिए और जूनियर असिस्टेंट UP SSSC के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी स्पेशल का काफी अच्छा मात्रा में वेटेज है, जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में आज मैं गौरव द्विवेदी प्रैक्टिस सेट 109 लेके आया हूँ। चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिनमें हमारे यूपी के रहने वाले काफी लोग इसका सही जवाब भी दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं, कितने कितने वर्षों में कुंभ मेला और अर्ध कुंभ लगते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुंभ हमारे प्रयागराज में कहाँ लगता है। प्रयागराज तो मैंने बता ही दिया, तो हमारे यूपी में कहाँ लगता है? तो कुंभ हमारे यूपी में प्रयागराज में लगता है। इसके अलावा हमारे भारत में 3 जगह और नासिक, उज्जैन, हरिद्वार में लगता है। तो चलिए, कुंभ मेला और अर्ध कुंभ कब कब लगता है? तो आपको बता दूं, कुंभ मेला जो होता है वो 12 वर्ष पर और अर्ध कुंभ जो होता है 6ठे वर्ष पर लगता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए जो है, 12वें और 6ठे वर्ष में कुंभ और अर्ध कुंभ क्रमशः लगाए जाते हैं। तो आपको यह पता चल गया 4 जगह लगते हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, बाकी 6 साल पे अर्ध कुंभ और कुंभ लगता है 12 सालों पे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और जो अर्ध कुंभ है, यह हमारे केवल इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और हरिद्वार, प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है, बाकी उज्जैन और नासिक में अर्ध कुंभ नहीं लगता। वहाँ कुंभ मेला का ही आयोजन होता है और हमारे अर्ध कुंभ जो है वो प्रयागराज हरिद्वार में लगता है और कुंभ मेला भी 4 जगह लगता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोक गीत गायन किया जाता है? अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, बुंदेलखंड के हैं और अवध क्षेत्र के हैं, तो आप सोहर के नाम से लोकगीत से जरूर परिचित होंगे। सोहर एक प्रकार के गीत गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। आज कल अगर आप YouTube सुनते होंगे तो राजन जी महाराज बड़े चर्चित हैं, इनका एक सोहर भी बहुत चर्चित है। कौन सा सोहर है आपको पता भी होगा, राजन जी महाराज सोहर डालेंगे YouTube पे तो वह सोहर आ जाएगा। तो आप, वो भोजपुरी भाषा में है, पश्चिम वाले उसे थोड़ा कम समझ पाएंगे, लेकिन अवधी क्षेत्र वाले, बुंदेलखंडी क्षेत्र वाले और पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले उस सोहर लोकगीत को आसानी से समझ पाएंगे। और वह बच्चे के जन्म पर सोहर का लोकगीत गाया जाता है। यह प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 22 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं, यह हमारे यूपी वालों के लिए तो आसान प्रश्न था, फिर भी पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में 60% जो प्रश्न होते हैं वो इजी होते हैं, 2% 20% प्रश्न जो होंगे वह मतलब मिडिल लेवल के होते हैं और 20% प्रश्न हार्ड होते हैं, जो आयोग कहता है। और वह समझदार बच्चा जो होता है उन हार्ड प्रश्नों को करता नहीं है, जानता है गलत होगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो हमें भी स्मार्ट बनना है, इजी प्रश्न सारे करने हैं, मिडिल वालों को भी सॉल्व करना है, लेकिन हार्ड अगर आ रहा है तभी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पंटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, कहरवा, चनैनी, कजरी और सोहर। और यह प्रश्न राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था, इसलिए रिपीट हो रहा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था बच्चे के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो वह सोहर है। तो सोहर इसमें डी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, इसमें ज्यादा हम टाइम व्यस्त नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अहिर समाज समुदाय आप जानते होंगे, यादवों को कहा जाता है। दिवाली के दौरान या बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य करते हैं? छपेली, पाई डंडा, भगौरिया या नटवाड़ी? तो जो अहिर बुंदेलखंड के करते हैं उस लोक नृत्य का नाम है पाई डंडा।
पाई डंडा एक प्रकार का आपने गरबा देखा होगा या डांडिया देखा होगा, गरबा तो नहीं डांडिया प्रकार है, डंडे से यह नृत्य किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन पद्धति से संबंधित है। तो यह जो पाई डंडा है बुंदेलखंड में अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है। मतलब सफेद धागा होगा और कपड़ा किसी प्रकार का हो, उस पे कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, तो उस जो कला है वह कढ़ाई की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं, चिकनकारी, गोटा, जरदोजी या जरी। यह भी प्रश्न ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में 2018 में पूछा गया था। तो जो सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई होती है उसे चिकनकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकनकारी कहते हैं। और यह पारंपरिक कढ़ाई शैली लखनऊ के सबसे पुराने और प्रसिद्ध कला रूपों में से एक है। इसकी शुरुआत मुगल शासकों नूरजहां के समय की गई थी। यह सफेद धागों का उपयोग करके कपड़ों पर की गई एक तरह की प्रसिद्ध कढ़ाई है, चिकनकारी सफेद धागे से किया जाता है कपड़ों पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सोजनी के लिए, रबारी के लिए, चिकनकारी के लिए, कांथा के लिए। तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि जो चिकनकारी है यह लखनऊ की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध कला है जो मुगलों के टाइम से चली आ रही है। यह जो कढ़ाई शैली है चिकनकारी यह विश्व प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस पे ज्यादा टाइम ना देते हुए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हमारे सामने है और यह भी लगभग लगभग हमारे चिकनकारी से संबंधित है। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हापुड़ में, कानपुर में, लखनऊ या मथुरा में। आपको पता है चिकनकारी का जो संबंध है हमारे, सबसे पहले अगर चिकनकारी का कहीं संबंध रहा है तो वह लखनऊ से रहा है, इसलिए लखनऊ को इस पे क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब आपको आसानी से याद हो गया होगा, अगर किसी भी परीक्षा में चिकनकारी शब्द, लखनऊ हस्तशिल्प पूछा जाएगा तो आप आसानी से लखनऊ चिकनकारी उत्तर दे पा रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। तो यह जो गाया जाने वाला कजरी जो लोकगीत है, मुख्य रूप से हमारे, हम मिर्जापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं तो मिर्जापुर क्षेत्र में ही इस लोकगीत का प्रमुखता गायन होता है। यह कजरी है और यह मानसून के महीने में गाया जाता है और यह विरह के लिए गाया जाता है। उस समय जो उनके प्रेमी होते हैं या पति होते हैं उनके पास नहीं होते हैं, इसलिए कजरी का गायन होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की। प्रेमदास ने की है, प्राण प्रिया ने की है, सबरंग या दर्पण। तो किसमें की है? तो उस्ताद विलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद धमार शैलियों पर अधिकार था। इन्होंने प्राण प्रिया उपनाम से कई रागों में बंदिशें रचना की हैं। तो बी ऑप्शन प्राण प्रिया बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो एक हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, बाहर का होगा, तब उसे आसानी से पहचान भी पा रहे होंगे, उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो रामलीला हमारे उत्तर प्रदेश का ही है, रासलीला कृष्ण जी का है, रामलीला राम जी का है। अहिर नृत्य हमारे उत्तर प्रदेश के अहिरों द्वारा, समुदाय द्वारा गाया जाता, नाचा जाता है। और जो ये गिद्धा या गिद्धा है यह कहाँ का नृत्य है? तो आपको पता होगा यह गिद्ध नृत्य हमारे उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह पंजाब का नृत्य है, इसे गिद्धा नृत्य बोलते हैं। तो चलिए डी को हम एलिमिनेट करेंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है?
हम इसे पूरे उत्तर प्रदेश का त्योहार तो नहीं कह सकते, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग काफी जिलों में छठ पूजा मनाई जाती है। झारखंड और पूरे बिहार का यह मुख्य त्योहार है। तो इस जो त्योहार है इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, पृथ्वी की, आग की, रवि की या पेड़ की? तो आपको पता होगा कईयों को सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि रवि को ही सूर्य कहते हैं। तो इसलिए आपको बता दूं सूर्य का पर्यायवाची रवि भी है। रविवार को आप देखते होंगे सूर्य भगवान का पूजा होता है, तो रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची है और जो छठ पूजा होता है उसमें सूर्य भगवान का ही आराधना किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुरुषों द्वारा चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मेरठ में, मिर्जापुर में या वाराणसी या बांदा में? तो यह प्रश्न लोअर पीसीएस में पूछा गया था 2019 वाले परीक्षा में कि कहां पर चौक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह मिर्जापुर है। मिर्जापुर अपना ही जिला है, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो मिर्जापुर में यह पाया जाता है, जहां प्राचीन काल से सोन नदी के तट पर लिखोनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि 100 से अधिक पाषाण कालीन चित्रों से युक्त गुफाएं तथा शिला श्रय प्राप्त हुए हैं, जो चाक, खड़िया तथा लाल रंग के चित्रों द्वारा निर्मित हैं। यह चित्र लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले भी जो पाषाण युग था वो हमारे मिर्जापुर में, वहां भी लोग उस टाइम रहते थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, अयोध्या में, मुरादाबाद में, सीतापुर या बलिया में? तो नैमिषारण्य के जिक्र हमने कई बार किया है, यह सीतापुर जो डिस्ट्रिक्ट है लखनऊ मंडल का, उसमें स्थित है नैमिषारण्य, और यह गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। पुराणों तथा महाभारत में वर्णित नैमिषारण्य वह पुण्य स्थान है जहाँ सहत ऋषियों ने वेद व्यास के शिष्य सूत ऋषि ने महाभारत तथा पुराणों की कथा सुनाई थी। नैमिषारण्य में ही वेद व्यास के शिष्य जो थे उन्होंने महाभारत की कथा काफी ऋषियों को सुनाई थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो इस प्रश्न का जवाब आप खुद देंगे, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। तो हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, कला मथुरा से स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है। यह कला है हमारी स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला, यह कहाँ से है? कजरी की है, लघु कला की है, सांझी की है या इनमें से कोई नहीं है? यह यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। सांझी कला है या मथुरा में स्टेज सीलिंग की पारंपरिक कला है, इसकी शुरुआत ब्रज में हुई तथा यह श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कला है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल में जो भी हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से होगी। तो उत्तर प्रदेश का जो नौटंकी है एक प्रकार का लोक नृत्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किसकी स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है? तो सूर्य चंद्रमा के बाद हम किसकी बात करते हैं? हमेशा आपने देखा होगा सूर्य चंद्रमा के बाद जो अच्छे गुरु हैं हमारे वह बृहस्पति हैं, ठीक है? तो बृहस्पति महाकुंभ मेले की जो तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, आपको पता ही होगा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ भी किया जाता है।
प्रयागराज हरिद्वार में अर्धकुंभ भी लगता है, बाकी जगह 12 वर्षों में महाकुंभ भी लगता है। तो इसमें जो सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की जो ग्रह नक्षत्र है इसको हम पढ़ते हैं, तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। तो कथक की जितने बार प्रश्न आएंगे आपको इसका जवाब देना होगा। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 प्रमुख शैलियां हैं, जिनमें से जो हमारे उत्तर प्रदेश का है वह कथक है। इसके बारे में जो 8 के 8 है मैं आपको आज बता देता हूँ। कथक हमारे उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, ओडिसी ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का, और सत्रिया नृत्य जो है असम का है। यही 8 प्रकार के जो है प्रमुख शैलियां हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ब्रोकेड की प्रसिद्ध कलाकृति है। ब्रोकेड जो है किस प्रकार की कला है और कहां से संबंधित है, लखनऊ से, आगरा से, कानपुर से या वाराणसी से? तो ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। कहाँ की कलाकृति है ब्रोकेड? तो आप कहेंगे वाराणसी की कलाकृति है। भारत में बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स का महिलाओं के फैशन के लिए साड़ी, ड्रेस मटेरियल और दुपट्टे के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं और वीडियो यहीं पर हम आज का खत्म करेंगे इस प्रश्न के साथ। तो उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बटेश्वर एक जगह है आगरा में और वहां पर यह मेला लगता है। तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पारंपरिक भोजन मेला, पशुधन मेला, सांड की लड़ाई या इनमें से कोई नहीं? यह प्रश्न यूपी SSSC मंडी परिषद के परीक्षा में 2022 में पूछा गया था। जो बटेश्वर का मेला है विशेषता पशुधन का मेला है। किसका मेला है? पशुधन का मेला है। आगरा ताज नगरी से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित बटेश्वर जहां मंदिर है भोले बाबा का, वहां यह मेला लगाया जाता है और यह पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। यहां पर पशुओं का खरीद फरोख्त होता है। तो आज के आपने 20 प्रश्न देखे। आप मुझे और आप दोनों को यही उम्मीद है कि हमें भी याद हो गए होंगे 20 प्रश्न और आपको भी याद हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है या बताना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ और बता सकते हैं। और यहाँ तक तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।